पत्ती एक शमी के पुष्प का महत्व क्या होता है उसको जरा अच्छे से समझना। ये शंकर भगवान के तीसरे नंबर का पुष्प का वर्णन चल रहा है, शमी के पुष्प का। पहला वाला कौन सा था? पारिजात। दूसरा कनेर। आज कौन सा चल रहा है? शमी। इसके महत्व को जरा ध्यान से समझिएगा। यहां तक शमी के फूल का महत्व कहा गया है। कोई 24 घंटे भी अगर मदिरा में डूबा रहता है, नशे में डूबा रहता है, चाहे वो मदिरा का नशा हो चाहे वो किसी चीज का भी नशा हो, उस तक के लिए शमी का पुष्प बड़ा कारगर बन जाता है। कितना भी मदिरा में डूबा व्यक्ति, वहां तक के लिए ये शमी का पुष्प और शमी की पत्ती कारगर। वैभव के लिए तो है, संपदा के लिए तो है, धन के लिए तो है, पर शमी की पत्ती की महत्वता और पुष्प की महत्वता कोई साधारण नहीं है। गुलाबी कलर का और क्या है इसमें ऐसा? शमी के वृक्ष में, शमी के पत्ते में, शमी का पौधा, शमी का वृक्ष, आखिर इसकी इतनी प्रबलता क्यों है? रामचरितमानस को उठाकर देखिए। बाबा लिखते हैं, राम जी महाराज जब रावण को मारने के लिए लंका पर चढ़ाई करते हैं और लंका अधिपति पर जब चढ़ाई करने लगे, लंकेश पर, लंका पर जब चढ़ाई करी, तब भगवान शंकर उस जगह पर नहीं दिखे, तब मेरे राम जी ने शमी के पेड़ को प्रणाम करा और कहा, हे भोलेनाथ, आपको मैं शमी के वृक्ष में मानकर प्रणाम कर लंका पर चढ़ाई कर रहा हूं। और उस शमी के वृक्ष को नमन कर मेरे राम जी लंका पर चढ़ाई कर देते हैं, विजय प्राप्त करते हैं, जीतते हैं और वापिस जब आते हैं, वापिस जब अयोध्या जाते हैं, तो मन में आया कि मैं अयोध्या के वासियों को दूं क्या? स्वर्ण बाटा माता कौशल्या जी ने, माता केकई जी ने, माता सुमित्रा जी ने स्वर्ण बाटा। राम जी से पूछा गया, संतों ने, साधुओं ने, तपस्वियों ने, ऋषियों ने पूछा, हमें स्वर्ण नहीं चाहिए, पर स्वर्ण की कीमत के बराबर कोई ऐसी वस्तु दी जाए जो स्वर्ण की कीमत से भी परिपूर्ण हो। तब एक शमी का पत्ता मेरे राम जी ने संतों को, ऋषियों को, साधुओं को दिया, एक शमी का पत्ता। आज भी जिस दिन रावण मरता है, रावण को जिस दिन जलाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको? विजय दशमी। विजय दशमी के दिन शमी का पत्ता, अब इधर का नहीं मालूम इधर देते कि नहीं देते, पर हमारे उधर नियम है, शमी का पत्ता विजय दशमी के दिन आज भी लोगों को दिया जाता है। क्यों देते हैं? उसका कारण क्या है? क्योंकि राम जी ने स्वर्ण के आभूषणों के बराबर, हजारों स्वर्ण मुद्राओं के बराबर एक शमी के पत्ते की मूलता कही है, और शमी का पत्ता संत, ऋषि, साधु, गुरुजन को दिया कि ये मेरे शंकर का एक स्वरूप है, ये शमी का पत्ता नहीं, ये वैभव को प्रदान करने वाला, एक आनंद सुख देने वाला। केवल एक कथा नहीं है शमी के वृक्ष की, शमी के वृक्ष की तीन कथाओं को हमारे यहाँ शास्त्रों में वाले महाराज ने बेलपत्री का वर्णन करा, सियोर वाले महाराज ने शमी पत्ते का वर्णन करा। शमी जिसमें कांटे लगे होते हैं, जिसको लोग खेजड़ी कहते हैं राजस्थान में, शमी जिसमें कांटे लगे हैं, जिसको लोग खेजड़ी कहते हैं,